नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती के अवसर पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। ये भगवान हनुमान से संबंधित चार धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान की मूर्ति स्थापित की जाने वाली मूर्ति है। इस कड़ी में ये हनुमान की दूसरी मूर्ति है जो पश्चिम दिशा में है। आज हनुमान जयंती है। देश भर में आज हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि शनिवार को सुबह 11 बजे गुजरात के मोरबी में बनी भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चार दिशाओं में स्थापित की जा रही चार मूर्तियों में से ये दूसरी प्रतिमा है। पीएमओ ने बताया कि इस मूर्ति को देश के पश्चिमी हिस्से में मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है। पीएम कार्यालय ने आगे कहा कि हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट के श्रृंखला की पहली मूर्ति उत्तर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई थी, जबकि दक्षिण में रामेश्वरम में तीसरी प्रतिमा पर काम शुरू हो गया है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज यह दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। दो अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। मोरबी में हनुमान जी की विशाल मूर्ति का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है। जहां प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए, वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य नेता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव का शुभ दिन 16 अप्रैल यानी कि शनिवार को पड़ा है। शनिवार होने के कारण इस हनुमान जन्मोत्सव का महत्व कहीं अधिक बढ़ गया है। बता दें कि देश में कई स्थानों पर लाउड स्पीकरों के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली यात्री ट्रेन शुरू की थी। तब से इस दिन को भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। इस साल भारतीय रेलवे ने 169 साल पूरे कर लिए हैं। भारतीय रेल सिर्फ एक रेल नेटवर्क नहीं है, बल्कि यादों, कहानियों और अविस्मरणीय पलों की यात्रा है। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक होने के नाते भारतीय रेलवे आपको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक यात्रा करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। भारतीय रेलवे भारत के लोगों के लिए परिवहन के सबसे पसंदीदा साधनों में से एक है, क्योंकि ये हर आर्थिक स्तर के लिए सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय रेलवे ने 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली यात्री ट्रेन शुरू की थी। तब से इस दिन को भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है।
रेल मार्ग की नींव जमशेद जी जीजी भाई और जगन्नाथ शंकर सेठ ने 160 साल पहले रखी थी। आज रेल नेटवर्क के 169 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई 1,27,760 किलोमीटर है। भारत में सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि सबसे धीमी ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन की गति केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। विवेक एक्सप्रेस 80 घंटे 15 मिनट के चलने के साथ भारत की सबसे लंबी रूट ट्रेन है। ये 8 राज्यों से गुजरते हुए 4,233 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब ब्रिज एक कंक्रीट का मेहराबदार पुल है, जो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी को जोड़ता है। पूरा होने पर ये ब्रिज आईफिल टावर से 35 मीटर लंबा होगा। उड़ीसा में प्रत्येक रेलवे स्टेशन का सबसे छोटा नाम है, जिसमें केवल दो अक्षर ईब है, और सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन श्री वेंकटा नरसिम्हा जुवरी पेटा है। नागपुर में एक डायमंड क्रॉसिंग है, जो अपनी तरह का अनूठा है, क्योंकि यहां से ट्रेनें उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं में जा सकती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य। हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए देश की समुद्र सीमा को अमेद्य और अखंड रखने वाला अब तक की सबसे आधुनिक सबमरीन्स में से एक INS वाक्शीर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में जल्द शामिल होने वाला है। 20 अप्रैल को INS वाक्शीर का जलांतरण होने वाला है। इसके बाद एक साल तक इस सबमरीन का सी ट्रायल किया जाएगा। मार्च 2024 तक इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए देश की समुद्र सीमा को अभेद्य और अखंड रखने वाला अब तक की सबसे आधुनिक सबमरीन्स में से एक INS वाक्शीर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में जल्द शामिल होने वाला है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई ये सबमरीन कलवरी श्रेणी की आखिरी सबमरीन है। ये कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इस सबमरीन की लंबाई करीब 221 फीट है और ये करीब 40 फीट ऊंची है। इस सबमरीन में 360 बैटरी सेल्स लगे हैं। मुंबई के मझगांव डॉक पर बनी इस सबमरीन का 40% से ज्यादा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। पानी की सतह पर ये पनडुब्बी करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि पानी के भीतर इस साइलेंट किलर की रफ्तार करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये पनडुब्बी समुद्र तह में 350 फीट तक की गहराई में जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। सबसे अहम बात, घात लगाकर चुपचाप समुद्र में करीब 50 दिनों तक ये सबमरीन लगातार रह सकती है। इन सबमरीन की रेंज इनकी गति के मुताबिक तय होती है। दुश्मनों को खाक करने के लिए इस सबमरीन में घातक हथियार लगे हुए हैं। इस सबमरीन में 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। किसी भी बड़े ऑपरेशन के दौरान ये साइलेंट किलर अपने साथ 18 टॉर्पीडो या फिर SM-39 एंटीशिप मिसाइल ले जा सकती है। इस सबमरीन में काम के घंटे तय होते हैं। हर जवान और अधिकारी 3-3 घंटे की ड्यूटी करते हैं और फिर 6 घंटे का ब्रेक लेते हैं। 20 अप्रैल को INS वाक्शीर का जलांतरण होने वाला है। इसके बाद एक साल तक इस सबमरीन का सी ट्रायल किया जाएगा। मार्च 2024 तक इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इस पनडुब्बी के जंगी बेड़े में शामिल होने से समुद्र सीमा की सुरक्षा और मजबूत होगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 16 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1853 में भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 1890 में अपने बेहतरीन अभिनय से दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ था।
1919 में अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा और उपवास की घोषणा की थी। 1919 में भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ और 5 सितारा वाले रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल अर्जन सिंह का जन्म हुआ था। 1945 में एक सोवियत पनडुब्बी के कारण जर्मन शरणार्थी पोत डूब गया था, जिससे 7,000 लोग मारे गए थे। 1964 में ब्रिटेन के चर्चित अपराधों में शामिल द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के लिए 12 लोगों को 307 साल की सजा सुनाई गई थी। 1976 में 8 वर्ष तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और 13 वर्षों तक लेबर पार्टी के नेता रहे हैरल्ड विल्सन ने त्याग पत्र दिया था। उनके इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में तूफान ला दिया था। 1978 में भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन सन 2004 में पाकिस्तान के दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी टेस्ट जीतकर मेजबान देश को श्रृंखला में 2-1 से मात दी थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।